हे गाइस, वेलकम अगेन। चलिए, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कहा गया था कि एक हम डेप्रिसिएशन की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो देखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन सेम थिंग। जिनके पास मेरी बुक है वो देख सकते हैं पेज नंबर 84 पे, जहाँ हमारे रैपिड फायर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। एल्स जिनके पास नहीं है उसको मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्रिप्ट करके चलूंगा, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। जहाँ कहीं थोड़ा फास्ट लगे उसको आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं कंप्लीट इसको रीड कर देता हूँ, देन उसके बाद इसको मैं ब्रेक कर करके पढ़ूंगा, जिससे कि हम अपने डायग्राम को बना के चलेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पलक इंटरप्राइजेस। 1 अप्रैल 2009 की बात है। मशीनरी अकाउंट है 60,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है हमारा 36,000 का। ऑन 1 अप्रैल 2009 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी फॉर ₹8,400 विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005 फॉर ₹16,000। बढ़िया जी। कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 2009-10। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा जी, तो इसमें हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो इसको मैं दो पार्ट में करा रहा हूँ। एक बार मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन जहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट देखेंगे एंड प्रोविजन अकाउंट देखेंगे, फिर दूसरा पार्ट में कराऊंगा जहाँ आप मशीनरी अकाउंट देखेंगे, प्रोविजन भी देखेंगे एंड डिस्पोजल अकाउंट भी देखेंगे। तो आपके दोनों पैरामीटर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं होता, बट अगर एग्जाम में आता है तो स्पेस आपका यहाँ पे टाइम बचता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं, सिर्फ 1 साल की बात करते हैं। अदरवाइज आपके क्वेश्चन 3-4 साल के आए करते हैं एग्जाम में, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कंटेंट बनाने के लिए। 1 साल का डाटा दे रखा है, तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो पहले मैं आपको ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट वन दिखा रहा हूँ। पार्ट वन जहाँ पे सिर्फ बात करेंगे किसकी, मशीनरी एंड डिस्पोजल की, एंड देन पार्ट टू करेंगे किसी क्वेश्चन में अगर तीनों चीज़ बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए, 1 साल है तो बड़ा थोड़ा रफ सा फॉर्मेट बना के चल रहा हूँ। दिस वन इज़ योर मशीनरी अकाउंट एंड सेकेंड दिस वन इज़ योर प्रोविजन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए जी, तो सबसे पहले हमें ना स्टार्टिंग में इन क्वेश्चनों में क्या होता है, स्टार्टिंग के बैलेंसेस दिए होते हैं, तो हमें पता है कि मशीनरी हमारा क्या है, एक एसेट, तो इसका बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस बीडी से। दिस वन इज आर डेबिट साइड, दिस इज आर क्रेडिट साइड, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट। तो टू बैलेंस बीडी, हमें स्टार्टिंग में एक बैलेंस पता होता है जो कि हम यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में पता था 60,000, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज आर लाइबिलिटी अकाउंट। तो ऑब्वियसली क्रेडिट से स्टार्ट होगा, तो क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो इसका क्रेडिट का फिगर है कितना, 36,000। तो ये हमें इनिशियली पता होता है क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मारामारी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमने 1 अप्रैल 2009 में, 1 अप्रैल स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर में उन्होंने डिसाइड किया कि डिस्पोज ऑफ कर देंगे एक मशीन को बेच मारा इन्होंने कितने का, ₹8,400 का, जो कि इन्होंने परचेज किया था कितने का, 16,000 का। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे, तो आइए प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन अगर देखें तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि इन्होंने परचेज किया था 1-4-2005 में कितने का, ₹16,000 का। बेच कब रहे हैं, 1-4-2009 में। ये जो क्वेश्चन का आपको स्टार्टिंग पता था, ये कब पता था, 1-4-09 का। ये जो हमने बीडी लिखा है, ये कब लिखा है, 1-4-09 का। मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 साल का डाटा है, बट चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का हल्का सा, 1-4-09। अच्छा जी, 16 का परचेज किया है हमने, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टैप लगाना शुरू करेंगे, कब तक, 1-4-09 तक। तो पहले साल इसमें टैप लगा होगा कितना, तो आपको जो टैप का रेट पता है वो 10% है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब भी 10% है। अब देखो, आप सिंपली काउंट भी कर सकते हो, 1-4-5 से लेके 1-4-9 तक में कितने साल बीते हैं, तो 1-4-5 से 1-4-6 एक, 6 से 7 दो, 7 से 8 तीन, 8 से 9 4, मतलब 4 साल का टैप लगाना है आपको। तो आप फ्लैट यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 16,000 है, आपको पता है 1 साल का कितना आएगा, 1,600 इंटू में 4 ईयर्स का कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू में 4 कितना आ जाएगा, 6,400। तो आपका 6,400 का इसके ऊपर डेप हो गया, तो आप जब इसको घटाएंगे तो आपकी WDV, इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या पता लगेगी हमें, 6,400 लेस करेंगे तो आएगा 9,600, 9,600 कि इसकी वैल्यू थी कब, 1409 पे, और हमने इसको जो बेचा है, जो हमने सेल किया है, वो सेल किया हमने कितने का, ₹8,400 का। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि 9,600 का माल आपने 8,400 में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे कितने का नुकसान होगा, नुकसान हो गया हमें यहाँ पे ₹1,200 का। तो बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, कि 3 फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं, कि कितना डेप इस पर अभी तक लगा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में, कितने का इसमें लॉस हो रहा है, और कितने का इसको हम बेच रहे हैं। तीनों चीज़ें हमें पता लग गई। आइए जी, पुट करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, 1409 की डेट पे ही आप वही 3 चीज़ लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, बाय बैंक, हमने इसको कितने का बेचा, हमने इसको बेचा था ₹8,400 का, बाय, जो हम डेप्रिसिएशन लिखा करते थे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो एसेट मैंने बेच दिया उस पर आज तक कितना डेप लगाया, उस पर आज तक लगाया डेप कितना, 6,400। तो आज तक का जितना भी डेप है वो सारा हम हटा रहे हैं। हटाने का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उतना रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट कितने का बेचा, सेकंड थिंग आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है टोटल, जब परचेज किया था तब से लेके आज जब सेल करे तब तक में जितना डेप लगाया सारा का सारा आ जाएगा एक साथ में। एंड थर्ड थिंग इज योर लॉस, जो कि आप लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, लॉस कितना हुआ आपको, लॉस 1200 रुपये का। ये आप श्योर कर लें कि इन तीनों को जोड़ के आपकी एसेट की पूरी वैल्यू आ जानी चाहिए, विच इज 16,000। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं उसके तीन एलिमेंट निकलेंगे, कितने का बेचा, आज तक कितना डेप लगा, एंड रिमेनिंग इज योर लॉस। देन आप इसको टोटल करते हैं और आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस सी डी बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी कब आएगा आपका, 31 मार्च 2010 में। डेप हम इसमें लगाते नहीं मशीनरी अकाउंट में, डेप तो आपका कहाँ लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो सिंपल था, 16,000 था, 16,000 का आपने एसेट बेच दिया, तो आपका बैलेंस सी डी कितना बच जाएगा, 44,000 का। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कुछ डेप लगेगा और कुछ डेप जाएगा। जाएगा कौन सा डेप, तो हम क्या कहेंगे, 6,400 वाली वो एसेट जो हमने बेच दिया तो उसका डेप भी एक्यूमुलेट होकर इस अमाउंट के अंदर समाया हुआ है, तो उसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, 1409 पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, कितना जितना भी डेप था इसका 6,400। तो बेसिकली ये क्या है, क्रॉस ट्रांसफर है कि आपका यहाँ बाई में आएगा और ये क्रॉस ट्रांसफर होकर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में चला जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है जी, देन बात करते हैं कि इस साल में कितना डेप लगना चाहिए इसके अंदर। तो 31 मार्च सन 2000 में कितना डेप लगेगा, तो आपने साल के शुरुआत में इसको बेच दिया, साल के शुरुआत में आपके पास जो एसेट था वो कितने का था, 60,000 का, जिसके अंदर आपने 16,000 का एसेट बेच दिया, तो आपका बच कितना गया, 44,000। तो 44,000 पे फ्लैट लगाओगे आप कितना परसेंट, 10%, तो कितना आएगा ऑब्वियसली ये 4400। अगेन किस नाम से लिखेंगे, बाय डेप लिख सकते हो या फिर बाय पीएनएल ब्रैकेट में डेप लिख सकते हो, कितना आएगा ये 4400। इसको टोटल करेंगे एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च सन 2000 में टू बैलेंस सी डी 36,000। 44 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40,400, ये भी हो जाएगा 40,400, एंड 64 आप लेस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 34,400 आई गेस जी। ओके कूल परफेक्ट। तो दिस वन इज जब आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता था नहीं जी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाओ, तो डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ये तीन चीजें जो हमने यहां लिखी थी ये उठ के चला जाएगा कहां पे, डिस्पोजल अकाउंट में। ये तीन चीजें जो लिखी थी ये कहां चली जाएगी, उठ के डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैं इसी क्वेश्चन में एडिट कर रहा हूं, आप लोग इसको रोक के अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो बदलाव कहां आएगा, बस यहां पे ये नहीं आएगा, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी यहां पे। सर तो यहां से बदलेगा क्या, नहीं आंसर नहीं बदलेगा, इन तीनों चीजों की जगह पे यहां पे सीधा सीधा एक साथ लिख दिया जाएगा क्या, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मतलब जो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने कहा जी 16,000 के टुकड़े करने हैं ना, वो टुकड़े अलग अकाउंट में करो, इस अकाउंट को खाली छोड़ दो। तो इस अकाउंट से हमने 16,000 का अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में, और रिमेनिंग 44 आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। नेक्स्ट इज आपको एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बन रहा है, किस डेट पे, 1409 पे। ये हमने बनाया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या होगा इस अकाउंट के अंदर, ये 16,000 का माल आपके पास आया है कौन से अकाउंट से, मशीनरी अकाउंट से, तो लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट कितना, 16,000। और जो तीन चीजें आपने यहां लिखी थी वो तीन चीजें एज इट इज आप यहां पे चिपका दोगे। क्या क्या तीन चीजें थी, कि हमने इसको कितने का बेचा, बाय बैंक कितना था हमारा 8,400, बाय डेप्रिसिएशन जो कि आप कहां से लेके आए हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से, जो कि आपका आ रहा था 6,400। एंड द लास्ट था वो आपका पी एंड एल ब्रैकेट में क्या, लॉस कितना, 1200। तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा क्योंकि उसी 16,000 का ब्रेकअप है, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, इधर इधर दोनों इक्वल। नाउ इस अकाउंट में हल्का डिफरेंस क्या आएगा, अमाउंट तो एज इट इज रहेगी, बट जो ये 6,400 है ये पहले आ रहा था मशीनरी अकाउंट से, तो हमने यह नाम लिखा था क्या, मशीनरी अकाउंट। अब ये जो आ रहा है ये ट्रांसफर होकर आ रहा है कहाँ से, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, रेस्ट द अमाउंट इज सेम। तो दिस इज अगेन द डिफरेंट प्रेजेंटेशन, जहां पर मशीनरी अकाउंट भी बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं। तो ये दो अलग अलग मेथड थे जिसको कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझा है। आई होप अगेन ये आपको क्लियर हुआ हो, कुछ ऐसा कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसी चीज़ों को ब्रेक ब्रेक करके अलग अलग जगह पर दिखाते हैं। आपने अगर स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई होप दिस वन इज इनफ। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।